नमस्कार। चुनाव के इस मौसम में आजकल लोग टीएन शेषन, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको याद कर रहे हैं। डॉक्टर एमएस गिल को याद कर रहे हैं, वो भी हमारे सीईसी थे। जे एम लिंगडो को याद कर रहे हैं, वो भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और डॉक्टर एस वाई कुरैशी को याद कर रहे हैं, वो भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेषन साहब ने जो परंपरा शुरू की थी, बाकी तीन लोगों ने उसको पूरी तरह से निभाया और बताया कि चुनाव के दिनों में इलेक्शन कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक संस्था है, यानी वो सरकार के नीचे नहीं आती, सरकार के तहत नहीं आती, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, जैसे जुडिशरी है हमारी, तो उसको सरकार को रिपोर्ट नहीं करना होता। उसकी ताकतों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, हमारे चुनावों में जो बुरी रीतियां, कुरीतियां और जो मैल प्रैक्टिसेस वगैरह आ गई थी, सबसे पहले टीएन शेषन ने शुरुआत की थी। आजकल जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके सामने बहुत सारी शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी तक नोटिस भेजने के अलावा कोई कार्रवाई की गई हो, सख्त कार्रवाई की गई हो, ये सामने नहीं आया है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ शिकायतें, अच्छी जो प्रमुख शिकायतें क्या है। एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत की है कि नमो टीवी नाम का एक टेलीविज़न चल रहा है, कंटेंट टीवी, नमो टीवी, और इसको सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, वो अपने तीन चैनल्स पे दिखा रहा है, उसके अलावा और भी चैनल्स पे दिख रहा है। जब मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक की गई तो उसमें पाया गया कि जो लाइसेंस्ड चैनल्स हैं मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, ना उसमें नमो टीवी है और ना ही उसमें कॉन्टेंट टीवी का नाम है। तो क्या ये चैनल बिना उसके चल रहे हैं लाइसेंस के? तो उसमें जो शिकायत की गई है, कांग्रेस ने कहा है इलेक्शन कमीशन से कि द कॉन्टेंट्स आर बींग ब्रॉडकास्ट इन कंप्लीट वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ केबल टेलीविजन। जो केबल टेलीविजन के रूल और रेगुलेशन है उनके एकदम खिलाफ जा रहा है जो कुछ भी दिखाया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, बावजूद इसके नमो टीवी में प्रधान सेवक के सारे भाषण दिखाए जा रहे हैं, वो फिल्में दिखाई जा रही हैं जो उन पर बनाई गई हैं, जो बिल्कुल मनाही है जिसकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। एक दूसरा मेमोरेंडम उन्होंने भेजा, उसमें कांग्रेस ने यह भी शिकायत की कि दूरदर्शन न्यूज़, दूरदर्शन समाचार जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट उन्होंने दिखाई मैं भी चौकीदार कार्यक्रम की, और नमो ऐप के ज़रिए भी दिखाया गया और नमो टीवी के ज़रिए भी दिखाया गया। आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को इस सोमवार को लिखा, यही लिखा था कि नमो चैनल को लेकर इसने कहा कि 24 घंटे का एक चैनल नमो टीवी लॉन्च किया गया है। हालांकि एक पार्टी अपना एक चैनल रख सकती है, शुरू कर सकती है, चला सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है क्या इसकी परमिशन जब आचार संहिता लागू हो जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, तब भी दी जा सकती है। आईएनबी के मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी ने एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्होंने सन 2012 में खुद नमो टीवी का जो एक मामला था उनके सामने आया था, जब प्रधान सेवक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर भी एक नमो टीवी शुरू किया गया था। लेकिन मनीष तिवारी ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही, उन्होंने कहा कि वो जो रूल है हमारे, वो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन पर लागू नहीं होते। टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन माने जो टेलीविज़न के बड़े बड़े टावर होते हैं उनकी एक रेडियल रेंज होती है, जो छोटे टावर होते हैं उनकी 10 किलोमीटर की रेंज होती है और बड़े से बड़े 100 किलोमीटर की रेंज भी होती है, उसको फिर केबल वाले दिखाते हैं आगे से जो पिकअप करते हैं, तो उस पर हमारा जोर नहीं चलता, उन्होंने ये कहा था। उनका मैं एग्जैक्ट कोट आपको बता दूं, ही एक्सप्लेन दैट देयर इज़ ए लैक्यूने इन द लॉ, कानून में एक कमी रह गई है, देयर इज़न्ट एनी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड बेस्ड चैनल्स, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल चैनल्स, जो ज़मीन से निकलते चैनल्स, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तिवारी सेड देयरफॉर द ओनली परमिशन विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग, तो इसलिए जो परमिशन होती है वो उन चैनल्स के लिए दी जाती है जहाँ पर सिग्नल अपलिंक किया जाए सैटेलाइट को, ट्रांसपॉन्डर को, और फिर नीचे उसको डाउनलिंक किया जाए। अब जो ट्रांसपॉन्डर होता है वो आप मानकर चलिए कि वो ट्रांसमीटर इन द स्काई है, और जैसे एक टीवी टावर की रेडियल रेंज होती है, ट्रांसपॉन्डर का फुटप्रिंट होता है, उस फुटप्रिंट में जो भी कोई
डिश एंटीना लगा ले, वो सिग्नल रिसीव कर सकता है, उसको फिर केबल के जरिए रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नामो टीवी की हकीकत यह है कि टेरेस्ट्रियल होगा सो होगा, हम नहीं जानते, लेकिन ये सैटेलाइट चैनल्स पर चल रहा है, ये टाटा स्काई पर चल रहा है, डिश टीवी पर चल रहा है, सिटी नेटवर्क पर चल रहा है, एयरटेल पर चल रहा है। तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है और कार्रवाई करनी है, हमें इंतज़ार है। दूसरा मामला लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारी जो फौजें हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिनके एक बहुत ही ग्लोरियस रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही गरिमाशाली इतिहास है, उसको मोदी की सेना बता दिया। देश के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब मोदी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, फौज जो होती है वो संविधान के तहत काम करती है और राष्ट्रपति उसका सुप्रीम कमांडर होता है। तो एडमिरल रामदास है, उन्होंने यही बात लिखी भी है, चिट्ठी लिख के भेजी है कि फौजें किसी पॉलिटिशियन या नेता के अधीन काम नहीं करती हैं, फौजें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अधीन काम करती हैं और संविधान के रक्षक के रूप में जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कमांडर होता है। तो मोदी की सेना जो बताया है उस पर ईसी ने रिपोर्ट मांगी है, हम देखेंगे एक्शन क्या लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कल्याण सिंह का मामला है। कल्याण सिंह गवर्नर हैं राजस्थान के, उन्होंने गवर्नर होते हुए भी, राष्ट्रपति का नुमाइंदा होते हुए भी, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, इलेक्शन राष्ट्रपति का नुमाइंदा होते हुए भी उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगे और कहा कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, संविधान के तहत काम करता है। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिख दिया है, कोई कार्रवाई की है हमें नहीं मालूम, अभी तक सामने नहीं आई है। हम कार्रवाई 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 बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैंने नाम लिया था शेषन साहब का, मैंने नाम लिया डॉक्टर एम एस गिल का, जे एम लिंगडो का, डॉक्टर एस वाई कुरेशी का, इन लोगों ने सख्त कार्रवाई भी की थी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जुलाई 1999 में इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के तब के चीफ रहे बाला साहब ठाकरे को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था, मतलब वोट देने से रोक दिया था, बैन कर दिया था कि आप ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं 6 साल के लिए। ये 1995 से लागू होगा ये हुक्म, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, इसकी वजह ये थी कि एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने 1987 में विले पार्ले में, और जो भड़काने वाला भाषण था, तो उसका संज्ञान लेते हुए, उसका कॉग्निसेंस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था, कड़ी कार्रवाई की थी। उसके अलावा और भी ऐसे मामले आए हैं, गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के गुलशेर अहमद, गुलशेर अहमद अपने बेटे के लिए सईद अहमद मध्य प्रदेश से जो चुनाव लड़ रहे थे कैंपेनिंग करते पाए गए। अभी गवर्नर का काम नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा है, संविधान का नुमाइंदा है, किसी पार्टी का नहीं। जब वो अपने बेटे सैयद अहमद के लिए मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग करते, प्रचार करते पाए गए, तो इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया और उनको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। हमें इंतज़ार है कि हमारा मौजूदा इलेक्शन कमीशन क्या करता है। ये जो हमने मामले उठाए हैं नामो टीवी को लेकर, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो मोदी सेना कहा है, मोदी सेना नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी सेना नहीं थी 1971 में जब जंग हुई थी, जब बांग्लादेश बना था, जैसे वाजपेयी सेना नहीं थी कारगिल में। सेना संविधान के तहत काम करती है, भारत की सेना है, इतिहास बहुत पुराना है, इसको भी हड़पने की कोशिश मत कीजिए, इसका भी श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। हमें इंतज़ार रहेगा इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाता है। उसके अलावा कल्याण सिंह के मामले पर ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट तो भेज दिए, अब क्या आपने छोड़ दिया कि एक्शन वो लेंगे, आप नहीं ले सकते, ये भी देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर हमें इंतज़ार रहेगा कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा जो है इतिहास में किस तरह से देखा जाएगा, एक दंतविहीन टूथलेस इलेक्शन कमीशन या एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया है। मैनिफेस्टो को लेकर कुछ ग्रे एरियाज हैं कि क्या मैनिफेस्टो इलेक्शन कमीशन की निगाहों में बाइंडिंग है किसी पार्टी पर, या इलेक्शन कमीशन का मतलब कुछ भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन से मैनिफेस्टो को लेना देना नहीं है। अगर बाइंडिंग है, अगर
इलेक्शन कमीशन की निगाहों में, कानून की निगाहों में पार्टियां बाध्य हैं। हाँ, मतलब पार्टियों ने ये कमिटमेंट दी है तो उनको पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे सर्विस प्रोवाइडर करते हैं कि हमारे पास ये पैकेजेस हैं आपके लिए। सरकारें भी सर्विस प्रोवाइडर होती है और कुछ नहीं होती है, वो हमारी माए बाप नहीं होती हैं। हम उनको पैसा देते हैं, वो हमारे लिए काम करती है, हम अपना विश्वास उनको देते हैं वोट देकर, इसी उम्मीद के साथ कि जो पैकेज उन्होंने प्रॉमिस किया है उस पैकेज को वो डिलीवर भी करेंगे। तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी वाले संकल्प पत्र जारी करते हैं। संकल्प जो होता है, वाओ, VOW, वो एक निजी फैसला मेरा हो सकता है कि मैं संकल्प लेता हूँ, हाथ में पानी लेके या फूल लेके या कुछ भी करके मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं फलां के लिए ये कर दूँगा, अला के लिए वो कर दूँगा, वो मेरा निजी मामला हो जाता है। मैनिफेस्टो जो है उसमें आप कमिटमेंट दे रहे हैं जनता को, संकल्प में आप एक निजी संकल्प ले रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, संकल्प पत्र नहीं कहा उसको, और उसके 5 बड़े बड़े पॉइंट हैं। फोकस सारा जो है वो हटा दिया गया है मैनिफेस्टो में, शमशान कब्रिस्तान से, हिंदू मुसलमान से, पाकिस्तान से, राष्ट्रद्रोह से, देशद्रोहियों से, कि जो हमारे साथ नहीं हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही है, इस तरह की बातों से फोकस हटा दिया गया है। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं, हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था, पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और जो 5 मुख्य बातें कही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं, एक तो वो न्यूनतम आय योजना है जिसका ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं कि कम से कम 72,000 रुपये साल जो 20% परिवार हैं गरीब, उनके लिए इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई 4,000 कमा रहा है तो उसको 8,000 रुपये और दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से माने हमारा ही पैसा होगा। कोई 6,000 कमा रहा है तो 6,000 दिए जाएंगे, यानी 12,000 कम से कम महीने की आमदन होगी। एक तो ये ऐलान था, ठीक है, और उसमें महिला, जो घर की महिला है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, एक तो ये ऐलान था। इससे सारा फोकस हट गया शमशान कब्रिस्तान और उस तमाम जो इस तरह की बातें थी जिन ध्यान हटाने की कोशिश थी पिछले 5 सालों के निकम्मेपन से, नकारापन से, उसे ध्यान हटाने की कोशिश की तो वो ध्यान हट गया। दूसरा, कांग्रेस ने आज ये कहा है कि नौकरियों पर ध्यान दिया जाएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता नौकरियां होंगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। 34 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर में और 4 लाख जो केंद्र सरकार की नौकरी वैकेंसीज हैं जो खाली हैं वो मार्च 2020 तक भर दी जाएंगी, और स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाएगा, राज्य सरकारों से कहा जाएगा, उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो 20 लाख वैकेंसीज जो हैं उनके यहाँ खाली पड़ी हैं उनको भी वो भरें। अब आग्रह से कितना काम चलेगा हम नहीं जानते। फिर 10 लाख सेवा मित्र के नए पोजीशंस बनाए जाएंगे हर ग्राम पंचायत में, और हर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है जैसे हमारी कॉरपोरेशंस वगैरह होती हैं उसमें सेवा मित्र, और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियाँ हैं उनको बढ़ाने के लिए जो बिजनेसेस हैं जिनकी कमर टूटी हुई है आज के दिन, MSME, उनको रिवॉर्ड, उनको इंसेंटिव, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा नौकरियां बढ़ाने के लिए। और 100 से ज़्यादा जहां पर कर्मचारी होंगे वहां उनको और प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू करो, ट्रेनिंग स्कीम शुरू करो ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिले ऑन द जॉब और फिर वो आगे नौकरी कर पाएँ। फिर अगला है किसानों को लेकर, उन्होंने कहा है कि कर्ज माफ़ी से कर्ज मुक्ति तक हम जाएंगे। कर्ज मुक्ति का मतलब ये है कि किसानों को खुद अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ताकत देना, उनको इस तरह के प्राइसेस देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, उसके अलावा मंडियों का जाल बिछाना, ये किसानों पर पूरा ध्यान दिया है इन लोगों ने।
यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आज के दिन सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं बीमार पड़ना, अस्पताल में दाखिल होना। सरकारी अस्पतालों के बाहर फुटपाथ्स पर लाइनें लगी रहती हैं। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाइए, फ्लाईओवर्स के नीचे परिवार बेचारे दूर दराज इलाकों से जो आए हों अपने बीमार संबंधी को लेकर, रिश्तेदार को लेकर, फ्लाईओवर्स के नीचे सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है, तो उस हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी अस्पतालों को, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उसमें ये कहा है राइट टू हेल्थ, मतलब ये जो राइट टू हेल्थ एक्ट है उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा कि ये हमारा हक है, अच्छी सेहत हमारा हक है, कानूनी हक है, ठीक है। और उसके लिए हर नागरिक को एक मुफ्त जांच, ओपीडी, मुफ्त दवाइयाँ और हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में भी एक ऐसे नेटवर्क के ज़रिए, अस्पतालों के ऐसे नेटवर्क के ज़रिए और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के ज़रिए। और कांग्रेस ने वादा किया है कि वो अपने जीडीपी का जो जितना पैसा इस वक्त खर्च हो रहा है हेल्थ केयर पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे, उसको वो डबल कर देगी, 3% कर देगी। आखिर में कांग्रेस का ये कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो तालीम है वो ज़रूरी कर दी जाएगी, आवश्यक कर दी जाएगी, कंपल्सरी कर दी जाएगी और मुफ्त की जाएगी, वो मुफ्त में दी जाएगी। मुफ्त कुछ होता नहीं है, यानी हम लोग ही टैक्स पेयर ही पैसा देगा, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा इस तरफ जा रहा है, किसी सबसे बड़ी मूर्ति में नहीं जा रहा सरदार पटेल की, कम से कम शिक्षा में जा रहा है, ठीक है ना। पार्टी ये भी इंश्योर करेगी कि स्कूलों के पास बेसिक जो अच्छा बुनियादी ढांचा हो और काबिल योग्य टीचर भी हों, शिक्षक भी हों, और उसके लिए जो एजुकेशन, शिक्षा का एलोकेशन है, फंड है, उसको दुगना कर दिया जाएगा, 6% कर दिया जाएगा। मौजूदा सरकार ने फंड काट दिए हैं शिक्षा के भी और स्वास्थ्य सेवाओं के भी। तो कुल मिलाकर ये जो 5 बातें कही हैं कांग्रेस ने, इसने पूरा ध्यान हटाने की कोशिश की है उस पूरे एजेंडा से जिधर प्रधान सेवक और उनकी पार्टी देश का ध्यान बटाना चाहती है, वही शमशान कब्रिस्तान, वही हिंदू मुसलमान, वही सांप्रदायिकता की दरार, वही जहर, वही पाकिस्तान, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, जो पिछली दफ़े वादे किए थे 2014 में, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल बताते हैं कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। अब ये भी वादे साबित होते हैं कांग्रेस के, सिर्फ लफाजी साबित होती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि शमशान कब्रिस्तान से बेहतर ये है कि शिक्षा की बात की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए। नमस्कार। HW News पर आप मुझे लगातार देखते आ रहे हैं द विनोद दुआ शो में। अब आप मुझे एंड्रॉयड और आईफोन पर भी देख सकते हैं HW News का फ्री ऐप डाउनलोड करके। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए HW News का फ्री ऐप और मुझसे जुड़े रहिए।